सो हेलो एंड वेलकम यू वोल आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की सो गाइस आईटीसी लिमिटेड में अगर देखें तो बिल्कुल कल जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उनके हिसाब से स्टॉक में पहले हमें गिरावट देखने को मिली फिर उसके बाद एक रिकवरी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अपसाइड डाउन्स मोमेंटम्स आज हमें देखने को मिले हैं और कहीं ना कहीं हम सपोर्ट ढूंढ रहे थे और बिल्कुल आई ने सपोर्ट ले लिया है और ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रहा है तो गाइज़ कहीं ना कहीं अगर देखें तो दो बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे साथ ही हम बात करेंगे क्या आई में क्वार्टर फोर में रिजल्ट्स का अनाउंस हो सकता है तो उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और दो बड़ी न्यूज़ है तो वो भी देखेंगे तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो so गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो आई टी सी फोर हंड्रेड एंड एट पॉइंट थर्टी रुपीज़ के लेवल पे हमें आज क्लोजिंग देता हुआ नजर आया कोस्ट टू कोस्ट स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और बिल्कुल प्रीवियस कुछ डेज से हमें अच्छी बढ़त देखने को मिली है जैसे लास्ट फाइव डेज की अगर बात कर ले तो स्टॉक आठ रुपये पच्चीस पैसे तक बढ़ चुका है वही एक महीने की बात कर ले तो अट्ठाईस रुपये तक की बढ़त है वही आप छः महीने में देख सकते हो सिक्सटी टू रुपीज़ के अराउंड तक की ग्रोथ शेयर ने बताई है काफ़ी कुछ लेवल्स ब्रेक किया तो न्यूज़ हम देख लेते हैं तो न्यूज़ की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो सुमित बगाड़िया है वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग फॉर्म के आपको पता ही होगा और यहाँ पर इनकी ओर से यहाँ पर बिल्कुल एक तगड़ा टारगेट दिया जा रहा है आई में उन्होंने बाय करने के लिए कहा है स्टॉप लॉस इनकी ओर से दिया जा रहा है थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर रुपीज़ का और टारगेट दिया जा रहा है फोर हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज़ का चार सौ तीस रुपये का टारगेट तीन सौ चौरानवे रुपये का स्टॉप लॉस तो बिल्कुल यहाँ पर टारगेट भी हमने देखा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर, देखने को, तो तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और गैस वही बड़े आगे तो यहाँ पर जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा है तो वॉल्यूम भी स्टॉक में अगर देखे गैस तो प्रीवियस डे के बेसिस पे आज का वॉल्यूम कम है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सीजन वॉल्यूम हमें तगड़ा देखने को मिला था लगभग आठ एक करोड़ के अराउंड की डिलेवरीज यहाँ पर शेयर में उठाई गई थी जो एक अच्छी बात है और वही बात कर लें आज की तो आज सिक्सटी फोर लाख के अराउंड की डिलीवरीज उठाई गई है काफ़ी लोग यहाँ पर अगर देखें तो शेयर नीचे की हो रहा तो काफ़ी लोगों ने बाइंग की होगी बट काफ़ी लोग अगर देखे गए तो फ्रेश बाइंग इसमें नहीं करना चाहते ऐसा इसलिए क्योंकि स्टॉक अगर देखें तो ऑलरेडी काफ़ी अपसाइड की ओर जा चुका है काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर ये फोर प्लस जा रहा है तो काफ़ी लोगों को ये ओवर वैल्यूड लगता है यानी आप इसे अगर देखें तो हमारा कोई भी चीज़ खरीदने के लिए बजट होता है बट उससे एक रुपये भी अगर कोई ऊपर हो जाए तो हम उसे नहीं खरीदते हैं तो वही आई में देखने को मिल रहा है ये चार सौ रुपये के अराउंड अब ट्रेड कर रहा है बट देखते हैं अब क्या होता है और वही अगर बात कर ले गैस तो कुछ बड़े फॉर्म्स का मानना है कि यहाँ पर क्वार्टर फोर में इसके तगड़े रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं तो गैस यहाँ पर अगर देखें तो ऐसी रेटिंग्स अगर देखने को मिलती है तो हो सकता है कि क्वार्टर फोर तक यहाँ पर आईडीसी टी फोर फिफ्टी तक भी चले जाए ऐसी चीज़ें भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट्स आता है उससे पहले आईटीसी टी सी चार सौ पचास रुपये तक भी जा सकता है इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है तो देखते हैं क्या होता है आगे बट यहाँ पर जो निर्मल बांग है उनकी ओर से कुछ यहाँ पर आंकड़े उनकी ओर से दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट का अपसाइड का मोमेंटम देख रहे हैं इसके प्रॉफिट में आई के प्रॉफिट में पाँच करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर देखा जाए तो उनका ये मानना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 4.9 परसेंट के बेसिस पे एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है फिर उसके बाद अगर जो उसकी नेट सेल्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकती है नेट सेल्स की बात कर ले तो फोर के बेसिस पे ईयर ऑन ईयर पे बढ़ सकती है और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर ले तो जीरो पॉइंट थ्री परसेंट है बढ़ने वाली है और यहाँ पर अगर देखें अकॉर्डिंग टू निर्मल बैंक इनकी सेल्स यहाँ पर इस साल सोलह हजार दो सौ छियाछ पॉइंट नौ करोड़ के अराउंड देखने को हमें मिलने वाली है ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वही अगर बात कर रहे हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एबिब्टा अगर देखें तो यहाँ पर एबिपटा भी बढ़ने वाला है एबिपटा बढ़ने वाला है ट्वेंटी वन परसेंट के बेसिस पे ईयर ऑन ईयर पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर ले तो वन पॉइंट फाइव परसेंट इबिप्टा यहाँ पर बढ़ सकता है वही आगे बढ़े तो यहाँ पर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के आंकड़े अगर देख ले गए तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर में एटी परसेंट लोगों का मानना है कि बिल्कुल आप बाइक की ओर यहाँ पर जा सकते हो फिर उसके बाद थ्री थ्री परसेंट लोगों का मानना है कि यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो तो टोटल एटी थ्री परसेंट लोगों का यहाँ पर अगर देखें पॉजिटिव है बट सेवेंटी परसेंट लोग अगर देखें अभी भी इसमें नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या डिविडेंड मिलेगा तो हाँ हाईली चांसेस है कि डिविडेंड मिल जाए क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए गैस जल्दी क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं और वही अगर देखे तो ज़्यादातर हमें जून और मई के महीने में आ, यहाँ पर डिविडेंड देता हुआ कंपनी नज़र आई है खासकर फरवरी में देती ही है हमेशा फिर उसके बाद जून जुलाई या फिर मई के अराउंड हमें डिविडेंड मिल जाता है और गैस बिल्कुल अप्रैल ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म होने में आ गया है अब आएगा मई और जून तो हाईली चांसेस है कि यहाँ पर मई और जून में हमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आ जाए तो पाँच से छः रुपये का डिविडेंड इजी तरीके से हमें मिलता हुआ नजर आ सकता है आ, लेवल्स देख लेते हैं तो यहाँ पर एक एसेंडल टाइप ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है शेयर अगर देखोगे तो नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे देगा ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर बिल्कुल रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाते हैं और वही अपसाइड एड डाउंस मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट हमें मिला था स्टॉक ऊपर की ओर गया था तो एग्जैक्ट यही पॉइंट पे मैंने बोला था कि यहाँ पर थोड़ा सा मल कर क्योंकि यहाँ से एक बड़ी गिरावट आ सकती है और एग्जैक्टली exactly गाइस वही हुआ मॉर्निंग में ह्यूज रेड कैंडल स्टॉक में बनी यहाँ पर चार सौ के लेवल से सीधा चार सौ के अराउंड आकर रुक गया फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर रेंज से ये बढ़ना स्टार्ट हुआ उसे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो गैस ये बिल्कुल 410 के अराउंड का लेवल है उसके बाद कंटिन्यू गिरता हुआ नजर आया और 404 के अराउंड यहाँ पर ये यह शेयर आके रुक गया था फिर उसके बाद काफ़ी टाइम इसने साइडवेज कंसोलिडेट किया यहाँ पर अगर देखिए दो बार रिजेक्शन लिया यहाँ पर भी अगर ट्रेड लाइन बनाए तो ये कंसोलिडेशन इसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमें मिला ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर गया फिर सस्टेन किया फिर ऊपर गया फिर सस्टेन किया फिर ऊपर गया फिर सस्टेन किया तो ऐसे लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और अभी अगर देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले चुका था तो अच्छा जम देखने को मिला यहाँ पर भी इसने यहीं पे क्लोजिंग दी है तो एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ से एक बड़ा जंप आने वाले टाइम में आने वाला है और कल के लिए आप इसमें पॉजिटिव रह सकते हो कल के दिन यहाँ पर एक अच्छी बढ़त हमें आईटीसी लिमिटेड में देखने को मिलने वाली है तो बिल्कुल गाइस आज क्या हुआ हमने डिस्कस कर लिया है और कल क्या हो सकता है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया तो बिल्कुल काफ़ी तगड़े लेवल्स यहाँ पर आई में क्रिएट हो रहा है यहाँ पर भी अगर लाइन बनाओ तो कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है तो प्रॉपर प्राइज एक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा है प्रॉपर प्राइज एक्शन के बेसिस पे आई टी सी यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो वही देखने को मिलता है इस लेवल से दो बार रिजेक्शन समय मिले उसके बाद ब्रेकआउट मिला सस्टेन किया शेयर ने साइडवेज चला फिर ऊपर गया फिर यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है तो इसी चीज़ें हम देखते आई टी सी में आ रहा है सो गाइज़ आई में कल क्या होगा डिस्कस कर लिया है क्या लेवल्स हो सकते हैं और गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन शेयर्स का एनालिसिस एक बार जरूर कर लेना थैंक यू